जितना शांत ये शहर था उतनी ही शांत ये सोसाइटी। और इस मोहल्ले की शांति के बारे में तो कहना ही क्या। और ऐसी ही शांति बनी रहती इस घर में। पर फिर एक दिन मौसी आई। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं, पड़ोस के घर में। जी, आपको कुछ काम था? ये मेरा चिंटू का घर है ना मौसी, हमारा घर ये है। सब भूमि गोपाल की बेटा, माफ करना बेटा। कोई बात नहीं, विक्रम की मौसी भी तो हमारी मौसी हुई ना। हाँ वो तो है मौसी, वो कुर्सी हमारी है। कोई बात नहीं बेटा, बाद में आके ले जाना। अरे मौसी, जय गोपाल की। जय गोपाल की। या जा जा। कब से आई हूँ तुझे देखने के लिए, आंखें तरस गई और बड़ी देर लगा दी तूने। अरे मेरी प्यारी मौसी, मैं आपको कब से बुला रहा हूँ, अब जाकर आप आई है और उल्टा मुझे सुना रही। अच्छा बेटा, तू इतना बड़ा हो गया है कि मैं तुझे डांट भी नहीं सकती। नहीं नहीं मौसी, ऐसा कुछ नहीं। आपकी तबीयत कैसी है? अरे एकदम ठीक है। नमस्ते। मैंने जैसे ही सुना कि मौसी आई है, मैं तुरंत यहाँ पे आ गया। कैसी हो मौसी? एकदम बढ़िया। ये अपने नए पड़ोसी लगते हैं। जी मौसी, ये राजीव यहाँ सामने ही रहता है। राजीव और उसकी बीवी बड़े भले लोग हैं। अच्छा, बड़े भले इंसान हैं। हाँ मौसी, कभी आइए वक्त निकाल के चाय पीने के लिए। वक्त का तो क्या है बेटा कि कभी मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। सही बात कही मौसी। है ना, तो आज वक्त निकाल देते हैं। क्या नाम बताया तुम्हारी बीवी का? शीला। हाँ तो उसको बोलो 3 कप चाय रखने के लिए। विक्रम भी ऑफिस से अभी आया है ना बेटा, तो वो भी चाय पिएगा। 3 कप? क्यों, तुम नहीं पियोगे? अरे शीला, क्या है? जरा मेरा नाश्ता तैयार कर देना। चाय नाश्ता तैयार है, तुम नहा तो लो। हाँ वो आज मुझे थोड़ा लेट हो गया इसलिए बोल रहा हूँ। तुम नहा लो, मैं लगा देती हूँ चाय नाश्ता। हाँ पर हर बार की तरह भूल मत जाना। अरे यार शीला, क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें चाय नाश्ता निकालने को कहा था। रखा तो है टेबल पर, दिखाई नहीं देता तुम्हें। कहाँ रखा है ये देखो। मैंने रखा तो खाली प्लेटे है, प्लेटे। मैंने तो यही रखा था प्लेट भर के। नहीं है, प्लेट खाली है।
तुम्हारा हर बार का है, तुम गलती करती हो और दूसरों पे डाल देती हो। कहाँ है बताओ, किसने खा लिया? ओय वो चाय में थोड़ी चीनी कम थी और पोहे में थोड़ा नमक कम था, बाकी सब ठीक था। सब भूमि गोपाल की। ओ वाह 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 वाह, इंडिया ने टॉस जीत लिया है और पहली बैटिंग है। संडे को मजा ही मजा। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? क्या बात कर रही हो? विक्रम की मौसी बड़ी भली औरत है। हा? क्या खाक भली औरत है? तुम मिलोगे तो पता चलेगा तुमको। क्या हुआ तुम्हारे साथ? जब से आई है तब से जीना हराम किया हुआ है उन्होंने। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ क्या किया होगा? तुम्हें दोपहर में सोने नहीं दिया होगा। जब तुम मिलोगे ना तब पता चलेगा तुम्हें। हाँ मिलेगी तब देख लेंगे। वो अगर विक्रम की मौसी है ना तो हम भी आम है। और अभी डिस्टर्ब मत करो और मुझे मैच देखने दो, मैं मैच टीवी में देखूंगा। वाह 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 वाह, आज का संडे तो सुधर गया। आज तो इंडिया का मैच है, रोहन शर्मा पहली बैटिंग करने वाला है और पहली ओवर में पता चल जाएगा बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है। और अगर बैटिंग पिच हुई तो 200 तो पक। ओहो टीवी चालू है, मैच देख रहा है बेटा। हाँ मौसी। पर मैच में क्या देखना बेटा, बाबा जी का सत्संग सुनते हैं। उससे क्या है तुम्हारे अंदर का तमस दूर चला जाएगा और तुम्हारे मन को शांत, एकदम से शांति मिलती रहेगी बेटा। इंडिया का मैच है मौसी और इंडिया को सपोर्ट भी तो करना है। हाँ बेटा, देश को भी तो सपोर्ट करना है ना, तो जा जाके स्टेडियम में जाके मैच देख। हाँ बिना मौसी कैसी बात करती है, अभी मैं कहाँ टिकट लेने जाऊंगा। अब सत्संग बाद में देख लेना, पहले के 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोहन शर्मा है ना, वो ओपनिंग करने वाला है। रोहन शर्मा ओपनिंग कर रहा है? हाँ। अरे तेरा रोहन शर्मा भी बाबा जी का सत्संग सुनता होगा। और रही बात स्कोर की ना, वो कल न्यूज़पेपर में पढ़ लेना, अभी सत्संग देखने दे। अरे मौसी और बहस करेगा, तुझे थोड़ी सी छूट छाट क्या दे दी बोलने की, तू तो बोलते ही जा रहा है बोलते ही जा रहा है। चल माफी मांग, चल माफी मांग, पांव छू के माफी मांग, बोल माफ कर दो। माफ माफ कर दो मौसी, माफ माफ कर दो। हाँ बस अब चुपचाप से सत्संग सुन। आप देखो सत्संग, मैं क्रिकेट इसमें देख लूंगा। सत्संग सुन तो थोड़ा तुझ में तमीज जैसा कुछ आएगा भाई। चल सत्संग सुन, नहीं देखनी है मैच। आवाज बढ़ाती ये आज किसका जन्मदिन है? मौसी वो प्रसाद था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सब भूमि गोपाल की। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि
नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। यहाँ पे स्कूटर की चाबी नहीं मिल रही है। वहीं रखी होगी। अरे नहीं है यार, तुम बाजार गई थी तो तुम तो लेके नहीं गई थी ना कहीं? मैं कब लेके गई थी स्कूटर? अरे तुम गई होगी और किचन विचन में कहीं पे रख दिया होगा। किचन में कहाँ रखती हूँ यार मैं चाबी? अरे ढूंढो, लेट हो रहा है। कहाँ पे रख देते ये लोग? कबर्ड में देख लो एक बार, ये कहां से खुलता कहां से? अरे मिला, तुमने किचन में रखी होगी फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम छोड़ो मैं ढूंढ लेता हूं। चल तुमने कबर्ड में देखा? सुनो तो, तुमने पिछली बार जैसे स्कूटर में ही छोड़ के आया होगा। हाँ स्कूटर में चेक कर लेते। चलो चलो चलो। हमारा स्कूटर चोरी हो गया क्या? नहीं, अरे अब तुम दोनों माँ बनने के बारे में कब सोचोगी? मुझे तो ये समझ नहीं आता, सोच समझ के भी माँ बना जाता है कोई? हाय राम, नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही हो। हमारे जमाने में तुम्हारी उम्र की बहू के तीन तीन बच्चे हुआ करते थे, एक बच्चा उंगली पे, एक झूले में और एक पेट में। पर मौसी हमारे यहाँ पैसा नहीं है। हमारे यहाँ किसी के घर पे बिना पूछे जाते भी नहीं है। हाँ सही बात कही बेटा, यहाँ थोड़ा अलग तो है। वैसे सच बताऊं तो बिना पूछे किसी के घर जाना भी नहीं चाहिए। और हाँ किसी की भी कोई भी चीज को बिना पूछे छूना भी नहीं चाहिए। मुझे तो ये आदत बहुत पसंद है। मौसी मैं तो किसी की भी चीज को ना कभी इस्तेमाल नहीं करती, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। एकदम सही बात है बेटा तुम्हारी, खामखा क्यों किसी का एहसान लेना है। आप भी मौसी किसी की भी चीज को ना इस्तेमाल मत करिएगा, अच्छा नहीं लगता, सब एक जैसे नहीं होते ना। अच्छा किया बेटा तुमने बता दिया, अब मैं किसी भी चीज को नहीं लूंगी, अरे छूंगी तक नहीं। अच्छी तुम तो अपनी हो ना, और अपने घर में हर काम पूछ पूछ के थोड़े ना कोई करता। लो लो इसको ले लो। शीला। हाँ? एक भी शर्ट को प्रेस नहीं की हुई है। आज मेरी ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है और एक भी शर्ट को प्रेस नहीं की हुई है। तुम्हें नहीं करना था तो मत करती, पर मुझे दे देती, मैं इस्त्री कर लेता। अरे यार अपनी इस्त्री मिली नहीं रही पिछले कुछ दिनों से। विक्रम तुम ऑफिस का काम घर पे लेके क्यों आते हो? तुम भी कमाल हो जाया, ऑफिस में देर हो जाती है तो बोलती हो कि लेट क्यों आए, अब जब घर पर काम कर रहा हो तो बोल रही हो कि ऑफिस का काम घर पर क्यों कर रहे हो। पर मुझे तुमसे बात करनी हो तो कब करूं?
अभी करो बोलो। मैं क्या बोल रही थी विक्रम, तुम मौसी को समझाओ ना। क्या समझाऊं मैं? वो पड़ोस में से सब लेकर आते हैं और वो भी बिना पूछे। अरे इतना बड़ा घर है नहीं कि तुम्हें स्त्री ना मिले, और रखी होगी तो तुमने ही स्त्री रखी होगी ना। रहने दो, मैं खामखा तुमसे बहस कर रहा हूँ, मैं ही स्त्री ढूंढ लेता हूँ। तो जानती हो ना मौसी को, उनके लिए सब भूमि गोपाल की। अरे वो सुनती कहाँ है किसी की। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो सबका सामान हमारे घर पे होगा और हम दोनों बाहर। तुमको किसी ने कंप्लेंट की? नहीं, कंप्लेंट तो नहीं की। तो बस, और मैं नहीं मानता कि मौसी बिना पूछे किसी का भी सामान अपने घर ले आएगी। अरे मैंने ढूंढी अपने घर में यार, कहीं भी नहीं है। तो फिर एक काम करो, या तो मुझे ये शर्ट इस्त्री करके दो या मुझे इस्त्री ला के दो। अच्छा तुम 5 मिनट रुको, मैं विक्रम के घर से इस्त्री मांग के लाती हूँ। हाँ? अरे तुम्हारे पास स्त्री है क्या? नहीं, हम तो प्रेस बाहर करवाते हैं। अरे देखो ना प्लीज, इनको मीटिंग के लिए बहुत देर हो रही है। सॉरी पर नहीं है घर पे। है बेटा। जया, वो मेरा सामान रखा है ना बेटा। हाँ? उसके पास स्त्री पड़ी है देख। अब मैं देख के आती हूँ। और पूछने का नहीं, जाके ले लेने का। थैंक यू। अरे ये तो मेरी स्त्री है। हाँ तो बेटा मैंने कब कहा कि मेरी है, तुम्हारी ये ले जाओ। पर सुनो, थोड़ी रिपेयर करवा लेना, थोड़ी वायर निकल गई है उसकी। मौसी, यार विक्रम, कुछ दिनों से घर में से चीजें मिल नहीं रही है। ढंग से रखा कर, लिखा कर, कहाँ रखी, मिल जाएगी, वो बड़ी बात नहीं है। नहीं मतलब कुछ दिनों से चीजें नहीं मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से? हाँ। तो वही तो बोल रहा हूँ कि चीजें जहाँ रखी है वहां नहीं मिल रही है, तो कहीं और ढूंढ, घर में ही होगी ना, कहाँ जाएगी चीजें। मतलब मैं रखता तो ढंग से ही हूँ, पर फिर भी वहां से चीजें नहीं मिल रही है। यार देखते ना, तो वैसे भी भुलक्कड़ है, तो घर में कहीं इधर उधर रख दी होगी, ध्यान से देखा कर, ढंग से चीजें रखा कर, तो मिल जाएगी। ये तेरा पहले से प्रॉब्लम है। चीजें मेरे घर से नहीं मिल रही है। तेरे घर से चीजें नहीं मिल रही? हाँ। मतलब तू ये कहना चाहता है कि वो चीजें किसी और के घर से? हाँ। किसके? तेरे। मेरे घर से? कहना क्या चाहता, मेरे घर से मतलब क्या? ये यार बुरा मत लगाना, पर मौसी हर चीज़ लेके चली जाती है। अच्छा तो तू ये कहना चाहता है कि मेरी मौसी है वो चीज़ें चोरी करती है? ना 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 ना, ना, ना मतलब तो यही हुआ ना तेरा। नहीं मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। मौसी बिना पूछे चीज़ें लेके चली जाती है, वो उनसे बाद में पूछते हैं तो वो बता भी देती है कि वो लेके आई है, पर वो बिना पूछे लेके चली जाती है। पक्का मेरी मौसी? हाँ। तो सिर्फ उन्हें समझा दे कि ऐसे बिना पूछे चीज़ें ना ले जाए, पूछ के लेके जाए तो कोई टेंशन नहीं है, पर तू सिर्फ इतना मौसी को कह दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ मौसी से, अब नहीं लेगी। ठीक है, चल घर पे चलते हैं। घर पे चलते हैं, मेरे घर पे चाय वाय पीते हैं। हाँ। पर तू देख, बुरा मत लगाना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राजीव, मैं फिनाइल लेकर आती हूँ। छुट्टे लेना तो भूल ही गई।
शरबत की बोतल? शीला भी मेरी तरह शरबत की शौकीन है, पी लेते हैं सब भूमि गोपाल की। शीला भी नहीं है, थोड़ा शरबत चौकी लेती हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? उल्टियाँ करवाई है, ज्यादा सीरियस नहीं है इसलिए एडमिट नहीं किया। पर एडमिट तो कर देना था विक्रम। नहीं, मैंने डॉक्टर से बातचीत की, उन्होंने कहा इतना सीरियस नहीं है कुछ। ठीक है, मेरी ही गलती है, मुझे फिनाइल ऐसे बाहर रखना ही नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या कहा है डॉक्टर ने, कब तक होश आ जाएगा? इंजेक्शन दिया है, बोला कि आधे घंटे तक होश आ जाएगा। अब तक तो आ जाना चाहिए था। आप लोगों को अगर जाना है तो जाइए, कोई बात नहीं, कुछ सीरियस नहीं है। नहीं नहीं, मुझे वैसे ही इतना गिल्ट फील हो रहा है, मेरी वजह से इन्होंने फिनाइल पी लिया। शायद होश आ गया। ऐसा लग रहा है। क्या हुआ था मुझे? कुछ नहीं हुआ, आप फिनाइल पी गए थे। अरे तो किसी को बताना तो चाहिए था ना कि उसमें फिनाइल है। पूछना तो चाहिए था ना। मौसी क्या प्रॉब्लम है आपको, बताइए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप मुझसे बोलिए, मुझसे पूछिए। अरे हमारे घर में किस बात की कमी है बताइए मुझे आप। हाँ, अरे इस शहर में सबकी प्राइवेसी होती है, पर्सनल लाइफ होती है, आप वहां घुस जाते। अगर आपको सोडा या जूस कुछ पीना था तो आप शीला से मांग लेती, वो आपको मना थोड़ी ना करती। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मांग लीजिए। विक्रम, मौसी से ऐसे बात नहीं करते। मौसी बड़ी है, और मौसी आपको भी समझना चाहिए। हमें इस बात से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज को उसके मालिक से पूछे बिना नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। समझी मौसी? हाँ बेटा, अब कोई भी चीज बिना पूछे नहीं छूंगी। अब तो गुस्सा मत हो। ठीक है, अब आराम कीजिए आप। मौसी, आपने प्रसाद क्यों नहीं लिया? वो अभी तक किसी ने बताया नहीं ना। खा लूं?
श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपनी स्वहस्त लिखित शिक्षा पत्री के श्लोक क्रमांक 17 में कहा है कि कभी किसी का पराया धन, धान्य, भूमि आदि वस्तुएं उनके मालिक के अनुमति के बिना नहीं देना चाहिए। यही है आपके लिए अभी की सीख हमारी सीख के द्वारा। जय स्वामीनारायण। चाहे मन मान बस इंसान तू बन जा।